इंडिया में बढ़ते ऑयल प्राइसेस, आम आदमी की समस्या। आज इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है बहुत हाई है, आसमान छू रहे। पेट्रोल के जो दाम है वो सेंचुरी पार कर गए हैं, तो वहीं जो डीजल की जो प्राइसेस है बहुत हाई है, और ये कहीं ना कहीं एक आम आदमी के पॉकेट्स को पिंच कर रहा है। तो ऐसे समय में सवाल उठता है, क्यों ये जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस इतने हाई है और क्यों गवर्नमेंट इन प्राइसेस को कम नहीं कर रही है? तो इसका जो जवाब है वो ये है, ऑयल बॉन्ड्स। साल 2005, उस समय यूपीए के गवर्नमेंट थी और उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। तब यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल बॉन्ड इशू किया था ताकि पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं वो लोअर रहे, डिस्पाइट की वर्ल्ड वाइड जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे थे। पर कांग्रेस को चाहिए था कि हम वोटर्स को अपीज करें, तो उन लोगों ने पेट्रोल डीजल की जो प्राइस वो कम रखें, कंपनीज को बोल दिया कि आप लॉस में बेचें, आप लॉसेस में बेचें, क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल जो है, और उनके लॉसेस को रिकवर करने के लिए ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया। ये 2005 से 2010 तक ये ऑयल बॉन्ड्स चले। उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने भी इस बात को अपोज किया था 2008 में कि ऑयल बॉन्ड इज नॉट अ सॉल्यूशन। पर जब प्राइम मिनिस्टर अपोज कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर ऑयल बॉन्ड्स इशू होते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये किसके गाइडेंस में ये ऑयल बॉन्ड इशू हुए होंगे। अब इन ऑयल बॉन्ड जो इशू हुए, आज इसका जो भुगतान है आज की जनरेशन कर रही है। आज इंडिया 1.4 लाख करोड़ के ऑयल डेब्ट में है, इतना बड़ा डेब्ट कि मैं क्या ही बताऊँ, एक आंकड़ा जो आप और इमेजिन तक नहीं कर सकते। और जब कांग्रेस के जो वोटर, कांग्रेस के जो कैंडिडेट जब आपसे आएंगे ना वोट मांगने लोकसभा में या फिर असेंबली इलेक्शंस के टाइम, तब आप उसे ज़रूर पूछिएगा कि आप लोगों ने उस समय इतने ऑयल बॉन्ड्स क्यों इशू किए कि आज की जो जनरेशन है, आज मैं और आप, हम लोगों को इन ऑयल बॉन्ड्स का जो डेब्ट है इसको पे करना पड़ रहा है। ये जो डेब्ट 1.4 लाख करोड़ आज हम लोगों के पॉकेट से जा रहा, आप जरूर पूछिएगा ये सवाल। अच्छा, ये ऑयल बॉन्ड, ये जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं, इसके बढ़ने का जो एक और जो कारण है मेरे हिसाब से, वो है कोविड-19 पैंडेमिक। आज पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ रही है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इस कोविड-19 ने बहुत ही बुरा हाल किया है। कई बिजनेस वगैरह बंद हो गए, कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी भी बहुत सफ़र कर रही है आज इस कोविड-19 की वजह से। ऐसे समय में गवर्नमेंट कई सारे स्कीम्स चला रही है, जैसे कि फ्री राशन टू 80 करोड़ पीपल। आपको याद होगा जब लॉकडाउन हुआ था इम्पोज मार्च 2020 में इंडिया में, तब लोग कह रहे थे कि लोग इस कोविड-19 से मरे चाहे ना मरे, लेकिन इस भूखमरी से ज़रूर मर जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने वो जो स्कीम है 80 करोड़ लोगों तक फ्री राशन पहुंचाना वो स्टार्ट किया, और आज भी ये स्कीम चल रहा है और जो लोग हैं भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, और इनके साथ साथ कई सारे स्कीम्स इंडिया में चल रहे हैं। तो ऐसे समय में हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो लो रहे, तो देखिए हम लोग थोड़े गलत, क्योंकि आज इंडिया में इतने सारे फ्री स्कीम्स चल रहे हैं, और इसके लिए भी देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और ये पैसा कहाँ से आएगा? तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि इन सब के जो प्राइसेस हैं, आप पेट्रोल के लीजिए, पेट्रोल डीजल लीजिए, एलपीजी गैसेस के लीजिए, ये सब का बढ़ना, देखिए ये सब स्वाभाविक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा ये आप समझ सकते हैं। आपकी क्या राय है इन ऑयल प्राइसेस के बढ़ते दामों पर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।